हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्यूटीफुल वर्ल्ड। दोस्तों, एक और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। थाने में मेट्रो लाइट परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि लास्ट ईयर थाने में 2019 के आसपास मेट्रो जो है मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में एक प्रपोजल आया था, यानी कि उसमें एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि एक मेट्रो ट्रेन चलाने के बारे में प्रपोजल था, लेकिन उसमें जो कॉस्ट थी वो लगभग 13,000 करोड़ के आसपास थी। अब 13,000 करोड़ रुपए का जो बजट था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो उसके बाद इसको स्टॉप कर दिया गया। अब फिर से एक नया प्रोजेक्ट निकाला गया है जिसको मेट्रो लाइट के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, इस तरह से मेट्रो लाइट होता है, काफ़ी छोटा पतला सा होता है। 3-4 बोगीज को इसमें जोड़ दिया जाता है, 3-4 कोचेस को जोड़ दिया जाता है, सॉरी। और ये मेट्रो लाइट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब दोस्तों एक और चीज़ है, ये 29 किलोमीटर्स का लगभग होगा लॉन्ग, और ये थाने में होगा, और जो मुंबई मेट्रो जो लिंक हो रही है, मेट्रो लाइन नंबर 4 जो कि वडाला से थाने जा रही है, ग्रीन लाइन। और एक और है मेट्रो लाइन 5 जो कल्याण से भिवंडी होते हुए थाने तक आएगी और फिर आगे जाएगी कपरवाउडी तक। तो ये है ऑरेंज लाइन यानी मेट्रो लाइन 5, इन दोनों को भी लिंक करेगी। जो अभी LRT जो थाने के बारे में प्रपोज किया गया है वो मेट्रो लाइट जो थाने की इन मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो लाइन 5 को भी जोड़ेगी आपस में। और इसमें 22 स्टेशन होंगे लगभग, और 29 किलोमीटर्स लॉन्ग इसका रूट होगा। ये एलिवेटेड और अंडरग्राउंड भी होगा कुछ जगहों पे, जो बहुत ज़्यादा बिजी एरियाज़ है और ओल्ड कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर अंडरग्राउंड होगा, बाकी ये रोड के साथ साथ एलिवेशन में होगा, एलिवेटेड होगा। और मेट्रो लाइट का जो कॉस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो लगभग 7,165 करोड़ को आकी गई है, यानी 7,165 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें बजट है। लेकिन जो मेट्रो रेल थी, जो पहले थाने में प्रपोजल आया था, उसका जो बजट था वो 13,095 करोड़ रुपए था, यानी कि 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट था। और ये जो मेट्रो लाइट का, ये लगभग 7,165 करोड़ रुपए का है, जो लगभग मेट्रो रेल या मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम MRTS से आधा है लगभग। और जो मेट्रो लाइट है उसको LRTS भी कहते हैं, यानी कि लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम, और MRTS यानी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो जो LRT है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और थाने में बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। मुंबई का जितना भी ज़्यादा जो जैम पैक्ड ट्रैफिक है और जितना भी ज़्यादा पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, वो मोस्टली थाने नवी मुंबई में ही आ रहा है। तो थाने में बहुत तेज़ी से रैपिडली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उसके देखते हुए LRT भी मेट्रो लाइन 4 और 5 को जोड़ेगी। मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो लाइन 5 जो कि मुंबई मेट्रो का काम चल रहा है, उनको भी जोड़ेगा, और थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और दोस्तों, इसका जो रूट है उसके कुछ स्टेशन हमको पता है, ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन 22 स्टेशन में से जो इंपॉर्टेंट स्टेशन है वो ये: रेला देवी, वागले सर्कल, लोकमान्य नगर बस डिपोट, शिवाजी नगर, नीलकंठ, गांधी नगर, मानपाड़ा, डोंगरीपाड़ा, विजयनगर, आज़ाद नगर बस स्टॉप, शिवाजी नगर, थाने जंक्शन रेलवे स्टेशन और न्यू थाने। थाने जंक्शन रेलवे स्टेशन में जो मुंबई की जो लोकल ट्रेन है सेंट्रल रेलवेज़ की CR, उसको भी ये जोड़ देगा। तो मुंबई लोकल भी जोड़ेगी इससे, सेंट्रल लाइन की जो रेलवे है मुंबई की लोकल ट्रेन, उसको भी जोड़ेगा थाने जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो ये थाने जंक्शन को भी जोड़ेगा, और ये बहुत अच्छा है मेट्रो लाइन 5 और मेट्रो लाइन 4। मेट्रो लाइन 4 यानी कि ग्रीन लाइन, और मेट्रो लाइन 5 मुंबई की यानी कि ऑरेंज लाइन, इनको भी आपस में कनेक्ट करेगा, तो एक फीडर की तरह भी काम करेगा, और ये बहुत अच्छा है। और दोस्तों, जो MRTS है ना, मेट्रो जो होता है फुल लेवल का, जो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है, वो लगभग 22 मीटर लंबा हो सकता है, और उसकी जो चौड़ाई होती है विथ, वो 2.9 मीटर से लेकर 3.2 मीटर तक हो सकती है। लेकिन जो LRTS है, लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम, इसकी जो लेंथ है वो लगभग 15 मीटर से लेकर 18 मीटर तक होती है, और इसकी जो विथ है वो 2.5 मीटर से लेकर 2.6 मीटर तक हो सकती है, कई जगहों पे 2 मीटर का भी होता है। लेकिन आई होप यहाँ पर मुंबई में जो है, मुंबई के पास में जो सबर्बन है थाने, ये बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड गेज पे ही चलेगा। स्टैंडर्ड गेज मतलब कि 1435 mm, 1435 मिलीमीटर्स का गेज होगा, उस पर चलेगा। और दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में इसी तरह से होगा लगभग जो हमारा LRTS है थाने में। और इसका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत सस्ते में हो रहा है। देखिए, इसमें जो है, जो स्टॉप्स हैं इसके स्टेशन, वो काफ़ी छोटे होंगे,
और 3 या 4 बोगी की होगी, अभी इसके बारे में डिसीजन नहीं लिया गया है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी उस हिसाब से होगा, 3 या 4 कोचेस का हो सकता है और स्टेशन छोटे होंगे। कॉन्कोर्स एरिया बनाने की शायद इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ से टिकटिंग होगा वहीं पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम वगैरह की मशीन्स होगी, जहाँ से आप टिकट डालेंगे और गेट खोलेगा और फिर आप सीधा प्लेटफॉर्म से ट्रेन को पकड़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा बल्कि स्टेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सिंपली एक रोड्स पे चलता है, ग्राउंड लेवल पे चलता है, रोड के साइड में बैरियर लगा के रोड ट्रैफिक को इससे अलग कर दिया जाता है, रोड्स के बीच में या रोड के साइड में चलता है आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, और या तो ज़्यादा ट्रैफिक है रोड में, ज़्यादा जगह नहीं, तो एलिवेटेड करके रोड के बीच में जो डिवाइडर होते हैं वहाँ से पिलर्स खड़े करके एलिवेटेड बना देते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा भीड़भाड़ वाली गलियाँ होती है वहाँ पर इसको अंडरग्राउंड डाल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, भारत के और भी शहरों में इसको डालना चाहिए, और मुंबई जैसे महानगर में मेट्रोज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मेट्रो तो आ रही है मुंबई में, और जो ठाणे मुंबई से लगा हुआ है जहाँ पर बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनमें LRTS आ रहा है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, और मुंबई मेट्रो को भी जोड़ेगा और मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसको भी जोड़ेगा ठाणे जंक्शन रेलवे स्टेशन में। तो दोस्तों बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, और भी ऐसे शहरों में होना चाहिए, और या तो बड़े शहर जो होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर दो मेट्रो लाइंस के बीच में जो फीडर सर्विस एज अ कनेक्टिविटी दो मेट्रो लाइंस की उनके भी उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और मुंबई वासियों के लिए भी, और स्पेशली ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अप्रूवल मिला है तो ठाणे में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी। ठाणे और मुंबई बिल्कुल एक हो चुके हैं, ठाणे जो है अब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का ही एक हिस्सा है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर आबादी बढ़ रही है, तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हमको होने चाहिए जिससे ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा। CCTV कैमराज होंगे इसमें, ऑटोमेटिक डोर्स के इन्स एंड आउट्स होंगे, साथ में सेफ्टी कंसर्न्स के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, और फिर इसकी स्पीड जो है मेट्रो ट्रेन्स की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लाइट रेल्स की थोड़ी सी कम होती है स्पीड। अब इसकी स्पीड के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेट्रो ट्रेन्स जो होती है उनसे थोड़ी सी कम स्पीड होगी, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स में चलेंगे, और इसकी फ्रिक्वेंसी भी देखना पड़ेगा कि कितने मिनट में ये पर स्टेशन में आएगी, हर स्टेशन में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अपना बहुत ख्याल रखें, और आप ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह के वीडियो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है आपको कैसे लग रहे हैं, और इस वीडियो में और क्या क्या डाला जा सकता है। आप ज़रूर अपने सुझाव हमको कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइट मेट्रो जो है एक ही टाइम पे 150 से 200 और 250 लोगों को एक साथ कम्यूट करा सकती है, अगर इसके कोचेस बढ़ा दें तो उससे भी ज़्यादा लोगों को कम्यूट करा सकती है। दोस्तों जो रूट था वो टेंटेटिव था, एकदम डिसाइडेड नहीं है, लेकिन लगभग इसी तरह से रूट होगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।